शुरुआत में टीकमगढ़ में नजरबाग से लॉयंस क्लब द्वारा एक महिला वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर महोदय की धर्मपत्नी द्वारा इस रैली का शुभारंभ किया गया। टीकमगढ़ में इस महान नजरबाग से लॉयंस क्लब द्वारा एक महिला वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसे टीकमगढ़ जिलाधिकारी महोदय की धर्मपत्नी लॉयंस क्लब अध्यक्ष पूनम जायसवाल, किरण अहिरवार, नगरपालिका CMO माधुरी शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस महिला वाहन रैली का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वाहन रैली में खुलकर यातायात नियमों का मजाक उड़ाया गया। इस रैली के वाहनों में बिना नाम तथा जिन पर रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं थे वह वाहन शामिल रहे, जिसे ड्यूटी पर तैनात यातायात के जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने देखते रहे। इस रैली का समापन नजरबाग में किया गया, जहां रैली में सहयोग करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं ऑटोमोबाइल कंपनियों का सम्मान किया गया। मेरा नाम लायनुचिराज परमा लायंस क्लब से हूं, जिसके द्वारा आज ये समानता रैली निकाली गई है। 1 सितंबर महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली गई है। इसका उद्देश्य यही था कि शहर में नगरवासियों को ये समझाया जाए कि लड़की किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, उन्हें समानता का अधिकार देना चाहिए। बस यही टीकमगढ़ में नई पहल है, महिला समानता दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में हमने ये रैली निकाली। सब महिलाओं को भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, हम तो हमें सब खुश हैं। और जो कुछ लकी ड्रॉ भी निकाले गए हैं, ये किस तरह के लकी ड्रॉ है? लकी ड्रॉ जिसने ज्यादा इनका मतलब एंट्री की थी उनके लिए है, तो इसी से उनको समझ में भी आएगा कि ये काम अच्छा है, करना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। इसी जी महिला समानता दिवस के अवसर जो कि 26 अगस्त को था, उसके उपलक्ष्य में आज हमने दो देशों के साथ महिला रैली निकाली। एक महिला है वो जो घर में रोटी भी बनाती है, बच्चे भी पालती है और आसमान तक चांद छूने तक की भी क्षमता रखती है, उन महिलाओं को समर्पित ये हमारी रैली थी। इसमें हमने यातायात के नियमों का भी सब लोग पालन करें उसके उद्देश्य से लगाया था। यातायात के नियम सब जानते जरूर है पर फॉलो कोई नहीं करता है। हमारा मेन उद्देश्य था लोगों को हेलमेट के लिए जागरूक करना। आज हेलमेट हमारे लिए एज अ बॉडी गार्ड होता है, तो उसको हम लगाए, हेलमेट अनिवार्य करें, अपने जीवन में उसको दिनचर्या में लाए। और इसमें हमने हमारे कुछ रूल्स रखे थे, 18 साल से छोटे बच्चों को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, जिनको हमने इसमें एंट्री नहीं दी है 18 साल से बड़े बच्चों को दिए। हेलमेट लगाना कंपलसरी था और सबसे विशेष हमारा ये रहा कि हेलमेट हमने क्लब द्वारा निःशुल्क दिए थे। टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट।